इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सूर्य पुत्र कर्ण जो है वो बहुत ही नेक दिल इंसान थे। बस विचारों के तालमेल ना होने की वजह से और गलत संगति की वजह से इंसान कहाँ से कहाँ आ जाता है। वैसे विचार जब ना मिले ना तो दो लोग भिड़ भी जाते हैं, जैसे कि इश्क सुभान अल्लाह में हमारे कबीर और जारा दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन न जाने क्यों वही विचारों के तालमेल के ना होने की वजह से टकरा भी जाते हैं। जारा और कबीर पहुंच गए हैं माया नगरी मुंबई में। अब कबीर मुंबई आया है अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो वहीं जारा भी अपने शौहर का साथ देने के लिए पहुंच गई है। अब होटल के इस कमरे में जहां इन्हें प्यार भरे लम्हे गुजारने चाहिए, वहीं पर इनकी तकरार शुरू हो गई। मुश्किल नहीं था, बात है सोच की, और सोच में क्या फर्क है। अभी कबीर अपनी जारा के लिए कुछ भी कर सकते, मगर अपने आइडियोलॉजी और अपने बुनियादी नजरिए के साथ समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि कबीर अहमद की पहचान उसकी सोच। अब जारा और कबीर की मंजिल तो एक होती है, लेकिन इनके रास्ते अलग अलग होते हैं। इसी के चलते इनके बीच हमेशा लड़ाई की सिचुएशन आ जाती है। नहीं सर, नहीं, ये तय करने वाले कि हमारे और तुम्हारे बीच के जो रिश्ते हैं उसमें कितनी दूरी। आज हमने तुम्हारे सामने अपनी सच्चाई पेश कर दी, दिल में जो भी हकीकत थी हमने तुम्हारे सामने कह दी, और हकीकत यही कि किसी भी कीमत में किसी भी हालत में हमने कहा कि तुम ये प्रोजेक्ट शरिया बोर्ड में जमा करो। अब कहानी में एक बार फिर से कबीर और जारा इस बात पर लेकर बहस करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। हालांकि सही तो दोनों होते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते। आराम से दस मिनट, इसी बहाने हमें भी पता लग जाएगा कि हमारी कही बात तुम्हारे दिल में कितने मायने। अब मुंबई आ गए हैं, जारा तो नहीं बदली, लेकिन हाँ कबीर का लुक तो एकदम बदल गया है। क्या बात है कबीर मियां, मुंबई की हवा आपको लगता है लगी गई है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।